इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं POB ऐप के अंदर अगर आपको इस तरीके से दिखाता है इनवैलिड अकाउंट नंबर प्लीज एंटर करेक्ट अकाउंट नंबर। देखिए आप करेक्ट अकाउंट नंबर ही यहाँ पर डाल रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से ये दिखाता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में जिससे कि हमें इस तरीके का इशू ना आए। देखिए सबसे पहले तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं POB ऐप के अंदर, ठीक है, उन सबको समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले अकाउंट नंबर डालने से पहले, वरना जो अकाउंट आपका सही भी होगा तो वो गलत हो जाएगा गलत सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये है फंड ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन POB ऐप के अंदर, सेल्फ लिंकेड अकाउंट, ठीक है, और थर्ड पार्टी विद इन बैंक। अब कुछ लोग जो है ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट में लेकिन उसी बैंक में अकाउंट होता है तो यहाँ से तो नहीं हो पाएंगे लेकिन यहाँ से होंगे, ठीक है, इसमें वो ऑप्शन डालेंगे तो नहीं हो पाएंगे और इसमें अदर बैंक का डालेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट ये अलग हो क्या, और ये उगे यहाँ पर ट्रांसफ़र बड़ौदा डीजी एग्जिस्ट वर्चुअल अकाउंट। अब देखिए आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं, मान के चलिए ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो वर्चुअल अकाउंट बेसिकली अलग होता है और आप उसे बैंक का अकाउंट डालते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो वो भी वर्क नहीं करेगा। बेसिकली आपको मोबाइल में ट्रांसफ़र का भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें MMID की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसफ़र अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सही से एक अकाउंट को सिलेक्ट करना है इनमें से जो भी आपको सही लगे, उसके बाद आप प्रोसेस करिए तो आपको इस तरीके का इनवैलिड नहीं दिखाएगा अगर आपका सही होगा, अगर गलत होगा तो इनवैलिड दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन आप सही से सिलेक्ट करेंगे जो कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इतना सा प्रोसेस रहता है इसका बस ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।